बेटी है ना, और उस बेटियों को जो है रक्षाबंधन करवाना था मुझे, तो मैंने एक को जो है भाई और एक को बहन बना दिया और दोनों को प्रण दिखवा दिया कि एक दूसरे की रक्षा करें। तो ये रहा मेरी बेटियों का और ये नई सोच मेरी। और दूसरा जो है मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की जो बहन है वो जो है बिहार में है और यहाँ से वो काफ़ी दूर हैं और हस्बैंड भी जा नहीं पाए क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं मिली थी ज़्यादा दिन की, तो उन्होंने इस बार नहीं जा पाए। तो इसके लिए मैंने उनके लिए भी एक बहन जो है प्रज्ञा जो है, वैसे भी भैया बोलती है मुझे, भाभी बोलती है, तो मैंने कहा कि उनको राखी बांध दीजिए, और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी उनको राखी बांध दी और बहन का भेजा हुआ भी राखी उन्होंने बांध दिया है। तो इस तरह से उनको भी एक बहन मिल गई। मैंने अपनी राखी ऑनलाइन भेज के जो है अपने भाइयों को है बंधवा दिया है और वो जो है बांध लिए हैं। तो इस तरह से मेरी राखी पूरी हुई है और जो है आज मैं बहुत उन लोगों को मिस कर रही हूँ, अपने भाइयों को। और ये राखी भी मतलब मिसिंग की तरह ही है क्योंकि 7 साल हो चुका है मुझे खुद से बांधे हुए, ऑनलाइन तो हर साल मैं बांध देती हूँ। इस बार की रक्षाबंधन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि सारे रिश्ते मेरे हस्बैंड की भी कलाई जो है खाली नहीं गई और उन्होंने खुद के जगह पे जो है बहन से बंधवा लिया है और काफ़ी अच्छा लगा। और न्यू फैमिली जो है फ्रेंडशिप से जो है रिलेशनशिप बन गया, तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने।